मुझे प्लीज, क्यों क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? प्लीज मुझे जाने दो। मुस्कान, मुस्कान कौन है? कौन है तेरे साथ? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पे कौन लाया? गॉड डैमिट, मैंने करवाई है इनकी भी। सब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश की। गेट द हेल आउट ऑफ। मुझे मुस्कान का फोन आया, वो खतरे में, उसे हमारी जरूरत है। मुस्कान का नाम लेकर मुझे मैनिपुलेट कर सकते? चुप। बन्ना, बन्ना क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो। जब तक मुस्कान वापस नहीं आती, जब तक उसका पता नहीं चल जाता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। क्यों झूठ बोला तुम? क्यों मेरा नाम लिया? क्यों मुझे जेल भिजवाया? संभव, क्या जानना है तुम्हें? मैंने जो कहा सब सही कहा। तुम जितना दूर होगे ना इस मामले से, तुम्हारे उतना बेहतर, समझी? ओह माय गॉड, अगर इसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, इसे पता चल गया तो? हेलो, हाँ मैं संभव बोल रहा हूँ, सब ठीक है ना? मेरी इयररिंग कहाँ गई? अभी तो ठीक। कहाँ क्या? अंधेरे में क्या चमक रहा है? वहां सब बंद है, वहां कोई नहीं जाता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी इयररिंग गिर गई थी तो। मनसा, ये लीजिए, ये चीज इतनी कीमती नहीं कि जिसके लिए तुम ये दहलीज पार करो। हमें ये नहीं पता कि तुम यहाँ क्यों आए या क्या मिलेगा तुम्हें यहाँ आके। यहाँ आकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमारा भाई पागल हो रहा है और हमारे घर का सुख चैन सब छिन गया है, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, और अगर उसे, मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती, और जब तक वो सही सलामत इस घर में वापस ना आ जाए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। बहुत गलत जगह आई हो तुम तो। यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, देखेंगे। और सुनो, तुम बेशक ही कानूनन इस घर का हिस्सा बन चुकी हो, पर ये मत भूलना कि ये घर हमारा है, और यहाँ हमारे इजाजत के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपनी हद में रहना, और दोबारा घर के इस तरफ आने की कोशिश मत करना।
मनसा जी, इस पर नजर रखना और ध्यान रखना कि वो इसके आगे ना आ पाए। जी हुकुम। पता नहीं क्या हो गया है सबको, एक लड़की की वजह से सारे घर में मातम छा गया है। मनसा तुम एक काम करो। जी हुकुम। बन्ना को बुला के लाओ और कहो खाना लग गया। ना हुकुम, मारी तो हिम्मत ही ना पड़ रही उनके कमरे में जान की, काटने को दौड़े। हे भगवान, ना जाने क्या हो गया हमारे बन्ना को। भगवान जाने कब उतरेगी ये प्रलय हमारे घर से। हे भगवान, भूख से जान ही निकली जा रही है। पता नहीं अगर नीचे जाऊंगी तो क्या होगा। रहने देती हूँ, लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं क्यों भूखी सो जाऊं? ये घर मेरा भी है। जिस हक से यहां रह रही हूं उस हक से यहां पे खाना भी खा सकती हूं। खाना उठा दो मनसा। मनसा, खाना फेंकने से अच्छा है इसे खिला दो। ले, खा ले। और ही घर है ना। नहीं कुहू, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ओ गॉड, थी ननु बार बार आपके बारे में पूछ रही थी, बहुत परेशान हो रही थी, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उन्हें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अपने लिए दादी माँ का ये प्यार देख के मैं खुश हो जाऊं या फिर मुस्कान के बारे में सोच के दुखी हो जाऊं। एनीवेज, दादी माँ हमेशा कहती कि हर बुराई के पीछे एक अच्छाई जरूर होती है। बस यही सोच सोच कर मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ। आई होप मुस्कान जहां भी हो सेफ हो और वो बस जल्दी वापस आ जाए। दीप, आप बहुत अकेला फील कर रही होगी ना। आप कहो तो मैं आ जाऊं आपके पास। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं बिल्कुल अकेली नहीं। यहाँ पे शैनिक है मेरे साथ। दीप, he is really a nice guy. वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा।
बहुत ध्यान देते। तू दादी माँ के साथ रह प्लीज। कुहू, मैंने दादी माँ को प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मुस्कान को वापस ला कर ही रहूंगी और मैं वो प्रॉमिस पूरा करूंगी। मैं आज रात को हर हाल में वो सुराग ढूंढ कर ही रहूंगी जिसके लिए मैं यहाँ पे आई थी। दीप, जो भी करना पर प्लीज संभाल के, आप पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, टेंशन मत ले तू। मैं तुझे कॉल कर चुकी हूँ, ठीक है? बाय। ओके दीप, बाय, ठीक है। कोई नहीं। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तुम्हें जितना बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी याद इतनी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। पहले तुम चली गई और अब वो। समर्थ सर, ये किसकी बात कर रहे हैं? सब लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। मैं तुम्हारी यादों को बुलाने की बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन तुम्हारी याद सब 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 प्लीज उठिए सब। मेरी सब उठिए प्लीज। तुम सिर्फ मेरी सिर्फ तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सब वो आप शांति, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है सब। और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें जिंदगी में।
स्ट्रॉन्ग काफी, बी स्ट्रॉन्ग, सब ठीक हो जाएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इस वक्त तू सिर्फ सच्चाई पे फोकस कर, मुस्कान से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है अभी। उस कॉरिडोर में जाके देखती हूँ जो उन लोगों ने छुपा के रखा है, वहां जरूर कुछ मिलेगा, जरूर वहां कुछ है, इसलिए भैरवी मैं वहां जाने से मना कर रही थी। पहले तो ये गमले ऐसे नहीं थे, फिर इनको किसने हटाया? आखिर ऐसा क्या है यहाँ जिसकी वजह से भैरवी मैम ने यहाँ आने से इतनी स्ट्रिक्टली मना किया? कहीं इस कमरे का राज मुस्कान से तो नहीं छुड़ा? देखती हूँ ताला किसे खोलो भी। इस बंद कमरे में कौन हो सकता है? कोई बिल्ली होगी, खिड़की भी खुली है, अंदर आ गई होगी। इसे ढका हुआ क्यों रखे? इस फर्नीचर के पीछे क्या राज हो सकता? ये किसकी फोटो फ्रेम है?